Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome हाय दोस्तों, एवरीथिंग टेक्निकल चैनल के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक पीवीसी पाइप की मदद से ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाना सिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप मार्केट में बिक रहे रेडीमेड ब्लूटूथ स्पीकर की जैसा ही एकदम सेम टू सेम आप स्पीकर्स बना सकते हैं। वैसे मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दिया है कि कैसे कनेक्शन करना है, कैसे कटिंग करना है। फिर भी दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात या कोई भी जानकारी इस वीडियो में समझ में नहीं आ रही है, कनेक्शन या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपके सामने, वो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को।
ये जो बड़ा वाला होल है इसके लिए हम वूफर स्पीकर का यूज़ करेंगे और छोटे वाले होल के लिए हम ट्विटर स्पीकर का यूज़ करेंगे। आपको लेना है एक डीसी फीमेल जैक जो कि आपके लैपटॉप के जो चार्जर है उसमें फिट हो जाए, और उसके बाद लेना है आपको एक इस तरह से स्विच, डीसी स्विच रहेगा, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक का आप यूज़ कर सकते हैं। 100 ओम रजिस्टर लेना है, 5 वाट या 3 वाट एलईडी लेना है, ग्रीन रेड और इस तरह से TIP41C ट्रांजिस्टर लेना है। आप अपने स्पीकर में जितना एलईडी लगाना चाहते हैं उतना आपको ट्रांजिस्टर लेना पड़ेगा, और जितना ट्रांजिस्टर रहेगा उसके डबल 100 ओम का रजिस्टर रहेगा, मतलब एक ट्रांजिस्टर में 200 ओम का रजिस्टर लगेगा। तो अगर आप 6 एलईडी लगा रहे हैं तो आपको 1200 ओम का रजिस्टर चाहिए। इस तरह से स्पीकर के पॉजिटिव में हम रेड वायर और नेगेटिव में हम ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट करते हैं। इस छोटे वाले स्पीकर को हम एज ए ट्विटर यूज़ करेंगे, इसमें वॉइस चेंजर नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगाकर इसकी वॉइस को चेंज कर देंगे, और ये हमारा वूफर है और ये स्पीकर से हमारा बेस निकलेगा। एक्स्ट्रा बेस निकालने के लिए मैंने बेस पैसिव रेडिएटर का यूज़ किया है। ये छोटा वाला जो ट्विटर स्पीकर है ये एक्चुअली नॉर्मल स्पीकर की ही तरह है, लेकिन ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जो हम यूज़ करेंगे इसकी वजह से इसमें छन छन और खन खन की आवाज़ निकल कर बाहर आती है, एकदम सेम टू सेम ट्विटर की तरह। तो इस तरह से इसे हमें स्पीकर के पॉजिटिव की तरफ कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये कैपेसिटर में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, तो कोई भी साइड किसी भी साइड में आप रखकर इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैपेसिटर परचेज करना है तो हमारे पास 3.3 UF से लेकर 10 UF तक कैपेसिटर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। यह है बेस पैसिव रेडिएटर, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारे पास अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। इसकी वजह से आप एक्स्ट्रा बेस दे सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बेस मिलेगा आपको और बढ़िया वाइब्रेट भी करेगा आपका स्पीकर। अगर आपको परचेज करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा और फिर आप हमें कॉन्टेक्ट करके इसे परचेज कर सकते हैं। 4 इंच से लेकर आपको हमारे पास 1.5 इंच तक के बेस पैसिव रेडिएटर मिल जाएंगे। बेस पैसिव रेडिएटर के ऊपर और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर ये मैं एलईडी फिक्स कर दिया हूँ। एलईडी के कनेक्शन के लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुका हूँ, आज देख सकते हैं। दोस्तों हमारे पास हीट ग्लू गन नहीं है तो मैं ये सोल्डरिंग आयरन से ही इसे पिघला के इसके ऊपर मैं गिरा देता हूँ और ये अच्छे से चिपक जाता है। ये वूफर स्पीकर और छोटे वाले स्पीकर दोनों के पॉजिटिव को हम एक में ज्वाइंट कर देते हैं और दोनों स्पीकर के नेगेटिव को हम एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं। आप अपने स्पीकर में जितनी भी एलईडी लगा रहे हैं, 6, 8, 10 जितना भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, सारे का नेगेटिव एक साथ कनेक्ट करना है और सारे का पॉजिटिव जो है वो एक साथ कनेक्ट कर देना है। और जो हमारा ये येलो वाला है, ये हमारा जो बैटरी से जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से, इसको सब एक में कनेक्ट कर देना है। ये वूफर और स्पीकर का जो नेगेटिव पॉइंट है और एलईडी का जो नेगेटिव पॉइंट है, इसे हमें एक साथ ज्वाइंट कर देना है, कनेक्ट कर देना है। इसके बाद स्पीकर का जो है पॉजिटिव पॉइंट, जितने भी हमारे एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट हैं, उन सारे एलईडीज के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। फुल कनेक्शन का डायग्राम आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है 4S3P का एक बैटरी पैक। ये बैटरी पैक कैसे बनाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बैटरी के पॉजिटिव वायर को इस स्विच के इनपुट पर हम कनेक्ट कर देते हैं, इसी से हमारा स्पीकर ऑन ऑफ होगा, इसी स्विच से। स्विच का जो आउटपुट निकल रहा है वो ये रेड वायर है, ये डायरेक्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये बैटरी के निगेटिव वायर को हम, ये जो चार्जिंग का सॉकेट है जो कि लैपटॉप से चार्ज करेंगे हम, इसको सॉकेट के निगेटिव पॉइंट से हम कनेक्ट करेंगे और इस सॉकेट के पॉजिटिव पॉइंट को हम बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट यानी कि स्विच से जो होकर आ रहा है बैटरी का पॉइंट, हम वहां से इसे कनेक्ट कर देते हैं। स्टीरियो ब्लूटूथ मॉड्यूल एम्पलीफायर बोर्ड मॉड्यूल, इसका मॉडल नंबर है XYP15W। इसमें आप 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक की पावर सप्लाई दे सकते हैं। ये ड्यूअल चैनल है लेकिन हम इसमें से सिर्फ एक ही चैनल यूज़ करेंगे, मतलब एक ही स्पीकर यूज़ करेंगे। ब्लूटूथ मॉड्यूल से जो आउटपुट स्पीकर्स के लिए जा रहा है, नेगेटिव को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट। ध्यान में रखना है कि जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल से पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीकर के लिए जाएगा, उसी से हमारा जितने भी LEDs है कनेक्ट होंगी और हमारा जो ट्विटर स्पीकर है वो भी उसी से कनेक्ट होगा, एक ही वायर से, पॉजिटिव और नेगेटिव से। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये येलो वाला वायर जो है, ये तीनों LED का पॉजिटिव पॉइंट है, हम इसे डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो भी लूज पॉइंट्स है उस पर हम सिलिकॉन लगाकर इसे फिक्स कर देते हैं। ध्यान रहे कि जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पर सोल्डरिंग करना ना भूलें। सोल्डरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में सोल्डरिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर लूज कनेक्शन रहा तो फायर हो सकता है, वो डेंजर सिचुएशन हो सकता है, तो इसलिए इसे सोल्डरिंग करके बराबर फिक्स कर दें। इसके बाद सारे जॉइंट्स पर हीट श्रिंक लगा दें। तो इस तरह से सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं, अब हम इसको बॉक्सअप कर देते हैं। बॉक्सअप करके फिर इसको हम ट्राई आउट करते हैं। दोस्तों स्पीकर बनकर रेडी हो गया है, लेकिन ये सेफ नहीं है, इसमें कभी कुछ डैमेज हो सकता है, कोई बच्चा वगैरह डैमेज कर सकता है, तो इसके लिए हम एक कवर बनाएंगे, मतलब जाली बनाएंगे। जाली बनाने के लिए कैसे करना है ये आप देख सकते हैं। इस तरह से इसका साइज निकालना है और फिर वही एक पाइप लेना है और उस पाइप की मदद से हम जाली बनाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं।
तो इस तरह से इस पाइप को लेकर थोड़ा कट कर लेना है। कट करने के बाद इस तरह से 10 से 12 इंच चौड़ाई में इसका साइज निकाल के और फिर यहाँ से कट करके एक पीस निकाल लेना है। और फिर निकालने के बाद इसमें पूरा हमें होल मार देना है, जैसे जाली में होल रहता है इस तरह से जाली में होल मार के इसे हमें पूरा। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है, सारी जानकारी एकदम ओपनली आपको दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस तरह से ये पीस कट करके और इस तरह से इसमें होल कर लेना है। होल करने के बाद इसे हम कुछ इस तरह से पेंट मारकर पूरा ब्लैक पेंट मार देते हैं और ये हमारा बनकर रेडी हो जाता है। दोस्तों इसमें मैंने ये जो आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर मैंने बाद में लगाया था, तो इसका मैंने वीडियो नहीं बना पाया हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। बट मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।